पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। श्रम कानून में बदलाव को लेकर एटक शिटू एचएमएस इंटक ने अपना विरोध प्रकट करते हुए केंद्र सरकार की नीति का खुलकर विरोध करने के लिए एकजुटता दिखाई। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। कोल इंडिया को तोड़ने व निजीकरण को बढ़ावा देने के विरोध में एटक शिटू एमएचएस इंटक श्रमिकों संघों के हजारों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। महाप्रबंधक कार्यालय चिरमिरी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीति एवं प्रधानमंत्री द्वारा श्रम कानून में बदलाव को लेकर एटक श्रमिक संघ के क्षेत्रीय महामंत्री लिंकराज नायक ने मीडिया को बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानून को बदलना चाहती है और कोल इंडिया का निजीकरण करना चाहती है। इस संबंध में शिटू यूनियन के क्षेत्रीय सचिव राम कुमार ने कहा कि श्रम कानून को बदलने के लिए सरकार नीति बना रही है, जिसके चलते आज विरोध प्रकट किया जा रहा है। मीडिया को बताते हुए कहा गया कि प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में एमएचएस यूनियन के जेसीसी सदस्य नूरुद्दीन देशमुख ने भी बताया कि रैली संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र का दौरा करेगी और केंद्र सरकार की नीति का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी करेगी, जिसकी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। इस संबंध में उनसे पूछे जाने पर विरोध श्रम कानून पर और निजीकरण को रोक पाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि श्रम संगठनों में एकता रही तो हर काम संभव है। हम सभी को कोयला खान श्रमिकों से अपेक्षा करते हैं कि इस विरोध में सब लोग एकजुटता दिखाएं और केंद्र सरकार की नीति का जमकर विरोध करें। आज विरोध दिवस है। मोदी सरकार दो जो सत्ता पर काबिज है वह श्रम कानून को मालिकाना पक्ष में कारपोरेट घरानों के पक्ष में संशोधन करने जा रही है। उसके विरोध में आज पूरे भारत में न सिर्फ कोयला उद्योग अपितु कोयला भेल सेल रेल सारे जो है राज्य शासन और केंद्र सरकार के जितने भी संस्थान हैं वो सारे लोग आज सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब ये बताइए, इस प्रदर्शन से क्या कोल इंडिया के निजीकरण पर रोक लगेगी कि नहीं? वहाँ देखना चाहिए। आज के इस प्रयास से अवश्य जो है लगनी चाहिए। यदि नहीं लगेगी तो आने वाला दिन में और भी जो है इसका विकराल रूप जो है देखने को पड़ेगा सरकार को। और मैं कहना चाहूँगा इसी के ही जो है तारतम्य में 9 तारीख को कोल इंडिया बचाओ का जो है हम लोगों ने अभियान छेड़ा है, उस दिन भी जो है विरोध प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगी और जो है पूरे कोल इंडिया में पूरा कोयला का निष्कासन बंद किया जाएगा। इस विरोध में कौन कौन से श्रमिक संघ आपके साथ हैं? भारत सरकार के इस नीति का विरोध के विरोध में भारत के 4 श्रमिक संघ एटक सीटू और आपका एचएमएस और कौन यूनियन इंटक, ये सारे चारों यूनियन और जो है राज्य शासन के 10 जो है जो फेडरेशन वो सारे लोग जो है हमारे पक्ष में हैं और जो है इसका विरोध करने कर रहे हैं। आने वाले समय में कोल इंडिया में मजदूरों का क्या स्थिति होगी? आज निजीकरण हो जाता है तो उसके बारे में बता पाएंगे? यदि निजीकरण, देखिए आपने जो प्रश्न कहा, पहले तो जो है हम जो है बोलेंगे कि संशोधन जो श्रम कानून का संशोधन किया जा रहा है, 14 कानून को तोड़ के 4 कोड बनाया जा रहा है और यह कोड जो है आपका जो सभी कोड भारत के मजदूरों के विरोध में है। आज तक हम लोगों ने जो संघर्ष करके पाया है वो सारे जो है हमारे सभी चीज़ों का हनन होगा और इसके विरोध में ही हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं और ये एक प्रकार का निजीकरण ही है। इसमें सभी मजदूरों को साथ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, तभी इस उद्योग को बचाया जा सकता है। आप किस यूनियन से हैं और किस पद पे हैं? मैं संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के यूनियन में हूँ और मेरा नाम लिंगराज नायक है, मैं क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर हूँ। इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार जो नीति बनाई है श्रम कानून में बदलाव का और निजीकरण और बहुत से ऐसे कानून बनलाने जा रही है जिससे श्रमिकों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसमें मजदूरों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और जिसको प्रदर्शित करने के लिए आज रैली के रूप में सामूहिक चारों यूनियन ने एक पूरे चिरमिरी भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है और विरोध प्रदर्शन करेगा। इस विरोध से क्या निजीकरण पर रोक लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अगर मजदूर अगर एकता अपनी उसकी एकता रहेगी और एकता है
और एक संगठित होकर सरकार का विरोध करेगा, ये अभी तो शुरुआत है। ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है जो कि आपका एक रैली के माध्यम से ये सरकार को बताया जा रहा है कि जनाक्रोश पैदा है और जिसका हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध में कौन कौन से श्रमिक संघ आपके साथ है? इसमें HMS C2 ATAC और INTAC चार यूनियन है जो कि इसका सख्त विरोध कर रही है, और हालांकि BMS भी विरोध कर रही है लेकिन वो अपना अलग से विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम नूरुद्दीन देशमुख। आप संगठन में किस पद पे हैं? मैं HMS JCC चिनमिरी एरिया। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये पूरा चिनमिरी का भ्रमण करेगी, पूरा चिनमिरी क्षेत्र का भ्रमण करेगी। ये जो देश के अंदर तानाशाही सरकार है जिसका नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, हिंदुस्तान के तमाम श्रमिकों को गुलाम और बंधुआ बनाने की साजिश के तहत श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, और ये विरोध उसी श्रम कानून के परिवर्तन के खिलाफ है। क्या ये विरोध निजीकरण को रोक पाएगा? देखिए, कोई भी विरोध अपने जगह में विरोध करने की स्थिति तभी पैदा हो जाती है जब कहते हैं उसको हम रोकने की इच्छा शक्ति पैदा करते हैं। निजीकरण को रोकने की इच्छा शक्ति ही विरोध का कारण है। विरोध में कौन कौन श्रमिक संघ आपके साथ है? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तरह के श्रमिक संगठन है जो मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, एक BMS को छोड़कर बाकी सारे केंद्रीय श्रम संगठन, 11 फेडरेशन और स्वतंत्र यूनियन जो है राज्य स्तर के, वो सारे लोग हम लोग एक साथ एक मंच में होकर काम कर रहे हैं। ये विरोध जो आप रैली निकालने जा रहे हैं, विराट रैली निकालने जा रही है, ये रैली कहां से कहां तक जाएगी और इस संबंध में संबंधित अधिकारी, इस संबंध में आपने जो सूचित किया है क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में बता पाएंगे? ये रैली का एक ही उद्देश्य है कि देश की सरकार के खिलाफ जो मजदूर विरोधी नीतियाँ जो चलाई जा रही उसके खिलाफ ये एक विरोध प्रदर्शन है, और ये विरोध प्रदर्शन का एक मकसद ये भी है कि जनता की जागरूकता को हम अपने संघर्ष, अपने संगठन, अपने इस विरोध रैली के हिसाब से जगाना चाहते हैं, और इस रैली का शुरुआत डोमन हिल से ही होना है और ये गोदरीपारा बड़े बाजार होते हुए, छोटे बाजार होते हुए इसका समापन हल्दीबाड़ी के प्रांगण में होगा। आप किस यूनियन से हैं और किस पद पर हैं? मैं CI2 से हूँ और चिरमिरी क्षेत्र का क्षेत्रीय सचिव हूँ।